नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक जमाना था जब हमारे घर के आसपास मदारी वाले आते थे, हम सब मजमा लगा के खड़े हो जाते थे। मदारी ये कहता था जमूरे, तो बंदर वहां से यहां उछल जाता था। दोबारा मदारी कहता था जमूरे, तो बंदर वहां से यहां उछल जाता था। हिंदुस्तान की राजनीति भी आज मदारी के नाच से कुछ कम नहीं है। दो लोग ऐसे हैं, एक कहता है सीबीआई तो सीबीआई उठ के वहां चली जाती है, दूसरा कहता है कि पुलिस, और वहां की पुलिस सीबीआई को ही अरेस्ट कर लेती है। मसला साफ है, ममता बनर्जी जो हैं सीबीआई को अंदर घुसने नहीं देना चाहती हैं। इस पूरे मसले में दो खेमा बढ़ चुका है। एक खेमा है जो पीएम मोदी के साथ खड़ा है, और दूसरा खेमा ऐसा है जो ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव जैसी लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, जो ये कहते हैं ममता बनर्जी एकदम साफ स्पष्ट महिला है, इनको खामखा परेशान किया जा रहा है। जो पीएम मोदी हैं, ये अपनी लड़ाई है वो सीबीआई को हथियार बनाकर लड़ने की कोशिश कर रही है। यानी पीएम मोदी को जो जो लोग पसंद नहीं है, वहां पे सीबीआई को भेज दिया जाता है, और सीबीआई का जो हथियार है ये केंद्र की सरकार भली भांति उसका इस्तेमाल कर रही है। दूसरा खेमा जो कि पीएम मोदी का खेमा है, उनका ये कहना है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी सीबीआई की जांच से बचती आ रही हैं इतने सालों से। आखिर ममता बनर्जी की हिमाकत कैसे हुई कि वो एक सरकारी अधिकारी को सरकारी काम करने से रोक रही है। आखिर ममता बनर्जी किसका साथ दे रही हैं, और ममता बनर्जी किसको बचाने में लगी हुई हैं। इस तमाम मसले में वो 17 लाख लोग छूट जाते हैं, वो 17 लाख लोग भुला दिए जाते हैं जिनकी जीवन भर की पूंजी शारदा नामक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पे लगाई जाती है, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद को दिवालिया साबित करके ये कहती है कि साहब का सारा जितना भी पैसा था वो डूब चुका है, अब हमारे पास पैसा नहीं है। शारदा स्कैम, जी हाँ, शारदा स्कैम की जो कुल कीमत है वो है 40,000 करोड़ रुपए, जो 17 लाख लोगों से लूटे गए। इतना बड़ा स्कैम है ये। जो नीरव मोदी का स्कैम था वो सिर्फ 11,000 करोड़ का था, ये तो साहब 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जो कि 2013 में सामने आया था। जनता को झटका तो तब लगता है जब यह सामने आता है कि बड़े बड़े राजनेता बंगाल के इसमें शामिल हैं। उससे भी ज्यादा झटका तब लगता है कि टीएमसी के लोग यानी तृणमूल कांग्रेस के लोग सीधे इस स्कैम में शामिल हैं। एक तो साहब ऐसे हैं जिनका नाम है कुणाल घोष, जो टीएमसी के एमपी भी हैं, यानी ममता बनर्जी के सरकार के एक एमपी हैं। इन साहब को 16 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती थी शारदा कंपनी के द्वारा हर महीने। हर महीने 16 लाख रुपए ये साहब लेके जाते थे। एक तरफ वो एमपी हैं और दूसरी तरफ एक कंपनी में 16 लाख रुपए ले रहे हैं, वो कंपनी जो देश के 17 लाख लोगों को लूट के बैठी है। इसके अलावा शुजाय बोस, मदन मित्रा जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और तो और सीधे ममता बनर्जी जो वहां की सीएम थी उनका भी नाम यहां पर शामिल हो जाता है। मजाक तो तब उड़ता है उन 17 लाख लोगों का जब सुदीप्तो सेन, जो शारदा चिटफंड का जो मालिक है, वो सीधे ममता बनर्जी की एक पेंटिंग खरीदता है 2 करोड़ रुपए में। हमें तो अब पता पड़ता है कि ममता बनर्जी जी जो हैं पिकासो को भी पीछे छोड़ गई हैं, क्योंकि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो पेंटिंगें बेच लेती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कुनबा था, ना ही इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को माना, ना इन्होंने सरकार को माना, ना इन्होंने कोर्ट की मर्यादा रखी, ना ही इनको किसी का डर था। पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर है ये इनको अपनी जूते की नोक पे रख के चलते थे। इनको किसी का कोई भय नहीं था। इन्होंने खुले आम लूटपाट मचाई, 17 लाख लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके तमाम पैसे ऐठ लिए, जब्त कर लिए, और आराम से ये कह दिया कि साहब हम तो दिवालिया हो गए हैं, जिसका साथ दिया ममता बनर्जी और उसके साथियों ने, और उन लोगों को आराम से बचा के बाहर ले गईं, और ये 17 लाख लोग सड़कों पर घूमते रहे, भटकते रहे, आज भी भटक रहे हैं अपने उन चंद पैसों की जो इस ये सोच के उन्होंने इन्वेस्ट करी होगी कि शायद अपनी बेटी की शादी कर ले, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, या फिर रिटायरमेंट के बाद उनको शायद एक छोटा सा घर मिल जाए। हजारों सपने रोंद दिए गए, हजारों सपने
चूर चूर कर दिए गए इन चंद राजनेता, लालची राजनेताओं और एक भ्रष्ट बिजनेसमैन के जरिए। जब कंपनी क्रैश हो गई तो ममता बनर्जी ने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाई जो स्टेट के अंडर में आती है, और उस इन्वेस्टिगेशन बॉडी ने इन्वेस्टिगेशन कर 11 लोगों के नाम बाहर लेके आया, जिसमें कि एक कुणाल घोष का नाम था जो कि विसल ब्लोअर भी कहा जाता है, जिसको जिसने ममता बनर्जी का नाम बाहर निकाला और ये कहा कि ये भी इस पूरे मसले में शामिल थी। उसके अलावा जो बाकी के 10 लोग थे वो उसी कंपनी में कार्यरत थे, यानी एम्प्लॉयज थे, मामूली एम्प्लॉयज थे जिनका नाम लिया गया। वो बड़े नाम छुपा दिए गए, दबा दिए गए, या फिर ये कह सकते हैं कि बचा लिए गए। 2013 में जब ममता बनर्जी ने अपनी एक लोकल इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाई जिसपे इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा था और इन 11 लोगों का नाम भी आ चुका था, तब असम की सरकार ने ये गुहार लगाई कि नहीं, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, 17 लाख लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन का जो डायरेक्शन है वो गलत है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, इस समय CBI को इस केस को हाथ में ले लेना चाहिए और इसकी जांच खुद करनी चाहिए। तब की सरकार कांग्रेस थी और ममता बनर्जी ने तब भी यही राग अलापा था कि CBI की जांच नहीं होने देंगी, वो CBI पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं घुस सकती है, हम पश्चिम बंगाल के अंदर CBI को नहीं आने देंगे, इस जांच को हम नहीं होने देंगे। तब की जो सरकार थी यानी कांग्रेस की सरकार थी वो भीगी बिल्ली बन गई थी, उसने विरोध नहीं किया, उसने कुछ ऐसा नहीं किया कि पश्चिम बंगाल में CBI घुस सके और उन 17 लाख लोगों को न्याय मिल सके। अंततः सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप कौन होती हैं कि CBI वहाँ नहीं घुस सकती, तब जाके ये जो केस है ये CBI के हाथ में गया और तब जाके यानी 2014 में CBI पश्चिम बंगाल के अंदर शारदा चिटफंड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस मसले में शामिल थीं, यानी शारदा चिटफंड का जो घोटाला था उसमें शामिल थीं? हाँ, यकीनन इस रिपोर्ट के हवाले से अगर आप देखें तो ममता बनर्जी और उनके साथी दोनों ही इस पूरे मसले में शामिल थे। क्या आपको लगता है कि CBI को रोककर ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं? तो हाँ, यकीनन CBI को रोककर ममता बनर्जी अपने किसी एक ऐसे साथी को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उसका नाम बाहर आता है तो ये तमाम लोग जो है लपेटे में आ जाएंगे। चलिए कहानी का दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, यानी सिक्के का दूसरा पहलू जो कि नरेंद्र मोदी साहब के खेमे से आता है। हकीकत यह है, नरेंद्र मोदी साहब खुद को हम सबका माई बाप समझने लगे हैं, खुद को भगवान समझने लगे हैं शायद, और जो उनके भक्तगण हैं उन्होंने इतना हवा में उनको उछाल दिया है, उड़ा दिया है कि वो ज़मीन पर आने की तो सोच ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब की जिस जिससे भी घृणा होती है उनको ये कहते हैं CBI जाओ उसको पकड़ लो, पुलिस जाओ उसको पकड़ लो, उसको अरेस्ट कर लो, उसको छोड़ना नहीं। ये PM मोदी को शोभा नहीं देता है, ये PM मोदी का काम भी नहीं है। CBI को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना ही चाहिए। CBI ना केंद्र के अंडर में आए, ना CBI एक स्टेट सरकार के अंडर में आए। CBI को एक आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो साफ स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन कर सके, जो कि कोई भी सरकार नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि CBI जैसे हथियार को आखिर कौन अपने हाथ से जाने देना चाहता है। कोई भी ऐसी सरकार जो केंद्र में अपना शासन बनाती है वो CBI को कठपुतली की तरह यानी मदारी की तरह नचाना चाहती है, और भली बाती ये जानती भी है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में मोदी साहब ने एक रैली करी, उस रैली में ये कहा कि जो शारदा स्कैम है इसमें पुलिस वालों का भी हाथ था। बस क्या ये सुनना था? और अगले दिन यानी रविवार शाम को CBI पहुंच गई पुलिस अधिकारी के घर कि चलिए साहब, मोदी साहब ने बोल दिया है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। अब आप ये बताइए, 2014 में ये केस CBI के हाथ में चला गया था, 2014 में ही नरेंद्र मोदी साहब की सरकार भी बन गई थी, यानी CBI और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों ही भूल चुकी थी पिछले 4 सालों से कि एक शारदा स्कैम भी था। ममता बनर्जी का यह कहना है कि केंद्र की सरकार ने उनसे
मंजूरी नहीं ली तो हम सीबीआई की जांच नहीं चाहते हैं, आप यहां से निकले। हकीकत तो यह है कि ममता बनर्जी से अगर पूछा भी जाता तो ममता बनर्जी अंदर घुसने ही नहीं देती। 2013 से वो यही गाना गा रही हैं कि सीबीआई नहीं चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए। चलिए अंत में अब ये देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत, यानी क्या प्रधानमंत्री का खेमा सही है या फिर ममता बनर्जी का खेमा सही है। ममता बनर्जी ने जिद पकड़ ली है कि ना शारदा स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी करे, ना इन्वेस्टिगेशन करे, ना किसी और पर, ना खुद पर, ना उनके पार्टी के लोगों पर। दूसरी तरफ पीएम मोदी चाहते हैं कि सीबीआई के अफसर कलकत्ता जाएं, वहां पर कुछ एक पुलिस वालों को अरेस्ट करें, टीएमसी के लोगों को अरेस्ट करें, ताकि इसका फायदा आने वाले इलेक्शन में उठा लिया जाए। हकीकत यह है कि ये दोनों ही नेता आने वाले इलेक्शन से अपने आप को फायदा किस तरह से पहुंचाया जाए उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि देश को या फिर स्टेट को क्या फायदा पहुंचे। ये यानी बात साफ हो जाती है, ना ममता बनर्जी ना पीएम मोदी आपकी सुध लेना चाहते हैं। उन 17 लाख लोगों की किसी ने सुध नहीं लेनी है, ना ही अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, ना ही राहुल गांधी। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी तो खुद ही में उलझे हुए हैं। आखिर उन 17 लाख लोगों का जवाबदेही कौन है? क्यों शारदा के तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त नहीं किया जाता है, उसको बेचा नहीं जाता है और इन लोगों का जो पैसा है उनको लौटाया नहीं जाता है? ममता बनर्जी खुद क्यों ऐसा कुछ नहीं करती हैं कि शारदा के लोग सीधे उनके पैसे लौटाएं और उनको अरेस्ट किया जाए? जो इस खबर को देख रहे हैं, कम से कम अब तो आप जाग जाइए। मदारी का नाच आपको बहलाने के लिए होता है, ये तमाम लोग आपको बहला रहे हैं। चंद पैसे लेके ये मदारी चला जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।